हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स विद आयशा। आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड डूइंग फाइन। सो फाइन आर्ट्स में आई नो आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स बस आने वाले ही हैं, राउंड द कॉर्नर्स है। सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि बंगाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आए। ये जो बंगाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स है, ये हमने कवर कर लिया था ऑलरेडी, बट एक पेंटिंग रह गई थी, शिवा एंड सती। आई थिंक लास्ट ईयर ये सिलेबस में नहीं थी, बट ये फिर से ऐड हो गई। तो हम आज इसी पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको माइथोलॉजी में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है, तो ये पेंटिंग की स्टोरी आप सबने कहीं ना कहीं देखी होगी, पढ़ी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हम ये पेंटिंग की डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। टाइटल ऑफ द पेंटिंग इज शिवा एंड सती। आपको एंड प्रॉपर लिखना है, A N D। वो जो सिंबल वाला एंड है वो नहीं लिखना है, क्योंकि मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। आर्टिस्ट इज नंदलाल बोस। मीडियम वॉश टेक्निक से बनी है। कलेक्शन इज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, विच इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। सो पहले की तरह ही हम अपने पूरा जो डिस्क्रिप्शन है उसको एक पैराग्राफ के बदले हम तीन पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर, उसके बाद कंपोजिशनल अरेंजमेंट, एंड एट लास्ट वी डिस्क्राइब द कलर स्कीम। सो सब्जेक्ट मैटर में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं इस पेंटिंग का सब्जेक्ट क्या है, ये किस टॉपिक पे बना है, इस पेंटिंग की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, आर्टिस्ट को कहाँ से इंस्पिरेशन। द पेंटर हैज़ बीन सक्सेसफुल इन डिपिक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेंटिंग शिवा एंड सती। सो इन दिस पेंटिंग लॉर्ड शिवा इज़ कैरिंग द डेड बॉडी ऑफ गॉडेस सती। अगर आप इस पेंटिंग को देखें तो इसमें एज सच कुछ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में डिफ्रेंशिएट नहीं है ये पेंटिंग। बस आपको सेंटर ऑफ द पेंटिंग में लॉर्ड शिवा दिखाई देंगे, जिन्होंने अपने हाथ में सती जी की डेड बॉडी कैरी कर रहे हैं। तो वो बेसिकली उन्हें हेट करते थे, तो उन्होंने एक बार एक यज्ञ रखा, हवन रखा अपने महल में, एंड ही इन्वाइटेड एवरीबॉडी एक्सक्लूडिंग शिवा एंड सती इन दिस ग्रेट यज्ञ और हवन। सो इवेंचुअली सती फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड डिसाइडेड टू गो देयर। सती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मेरे फादर ने इतना बड़ा ग्रैंड यज्ञ रखा है और दूसरी स्टेट से या फिर कंट्रीज से राजा महाराजाओं को इनविटेशन दिया है, बट ना मुझे बुलाया और ना मेरे पति को। तो सती को लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो जाएंगे। एट द मेन टाइम शिवा ट्राइड इज बेस्ट टू स्टॉप सती। शिव जी ने बहुत कोशिश करी अपनी वाइफ को वहाँ जाने से रोकने के लिए, उन्हें बहुत समझाया, बट सती नहीं मानी। व्हेन शी वेंट देयर, हर फादर स्टार्टेड इंसल्टिंग हर हस्बैंड शिवा। जब वो वहाँ पर पहुँची तो उनके जो फादर दक्ष थे वो शिवा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। ऑब्वियसली उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उन्हें लगा कि उनका अपमान हो रहा है। एंड शी जम्प्स इनटू द फ्लेम्स ऑफ यज्ञ, और उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दे दिया अपनी बॉडी का और वो आग में कूद गई। फ्रेंड्स, ये एपिसोड देख के ज़रूर आपको जो लाइफ ओके पर सीरियल आता था महादेव, उसका एपिसोड याद आ रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वही एपिसोड अपने वर्ड्स में फ्रेम करके लिखना है। इसमें आपको कुछ याद करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टोरी तो आपने सुनी रखी होगी कहीं ना कहीं से। सो यही थी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी। अब जब एट द मीन टाइम क्या हुआ, जब शिव जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि जो सती हैं उनकी बॉडी बिल्कुल लाइफलेस हो चुकी है, उन्होंने अपने हाथ में कैरी कर लिया उनकी डेड बॉडी को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। लेट्स मूव ऑन टू द कंपोजिशनल अरेंजमेंट। अब कंपोजिशनल अरेंजमेंट में आपने जो सब्जेक्ट मैटर में लिख दिया ना, वो रिपीट बिल्कुल नहीं करना है, वरना अगर आपका आंसर रिपीटेड लगेगा तो जो एग्जामिनर है उसको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। आपको कंपोजिशनल अरेंजमेंट में कुछ अलग लिखना है। तो क्या अलग लिखना है, डोंट वरी, मैं बताती हूँ। अब इन दिस पेंटिंग आर्टिस्ट नंदलाल बोस हैज शोन अ माइथोलॉजिकल इवेंट ऑफ शिवा एंड सती।
So this was in a nutshell, and this is a dramatic depiction on the offset paper. आपको एक डल सा पेपर है जिसमें सिर्फ येलो और ब्राउन कलर के ही डिफरेंट शेड्स का यूज़ हुआ है. मीन्स ये पेंटिंग जो है वो मोनोक्रोमेटिक में है. मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, एक ही कलर का डिफरेंट शेड या फिर उसका डार्क शेड या फिर उसके लाइट शेड यूज़ कर हम एक पेंटिंग बनाते हैं, उसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक पेंट. और बस ब्राउन और येलो कलर का यूज़ हुआ है इन वेरियस शेड्स एंड टोन्स. इन द सेंटर ऑफ द पेंटिंग लॉर्ड शिवा एंड सती हैव बीन डिपिक्टेड डोमिनेंटली. आपको इस पेंटिंग में डोमिनेंटली शिवा एंड सती नज़र आएंगे इन द सैड मूड. अब अगर आप उनका फेशियल रिएक्शन देखें ध्यान से तो सैड मूड में है. ऑब्वियसली सती जी लाइफलेस हो चुकी हैं और जो शिव जी हैं वो बहुत ही सैड मूड में, बहुत ही उदास. शिवा इज़ लुकिंग एट सतीज फेडेड फेस हेल्पलेसली. अब वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए शिव जी जो हैं वो सती जी के फेस को, फेडेड फेस को बिल्कुल हेल्पलेसली देख रहे हैं. एंड स्ट्रेचिंग इज बोथ आर्म्स टू सपोर्ट सतीज बॉडी विच इज़ लाइंग ऑन द लेफ्ट नी इन अनकॉन्शियस स्टेट. नाउ थोड़ा सती जी का डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं कि शी इज़ वियरिंग नेकलेस आर्मलेट्स ब्रेसलेट्स इन हैंड्स एंड लाइट रेड कलर साड़ी टू कवर सतीज बॉडी. तो आप सती जी का डिस्क्रिप्शन में ये लिख सकते हैं कि सती जी ने जो लाइट रेड कलर की बिल्कुल साड़ी पहन रखी है और वो फुली ऑर्नामेंटेड है. लाइक उन्होंने नेकलेस पहन रखा है, आर्मलेट्स पहन रखा है, ब्रेसलेट पहन रखा है. तो बस आपको ये डिस्क्राइब करना है. और वो शिव जी के आर्म्स में सो रही हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द कलर स्कीम. ये लास्ट है. कलर स्कीम में आपको क्या लिखना है, आर्टिस्ट हैज़ यूज सबड्यूड कलर्स जो होते हैं बिल्कुल डल कलर होते हैं. या फिर आप ये भी लिख सकते हैं आर्टिस्ट हैज़ यूज वॉर्म कलर्स. देर इज़ नो यूज़ ऑफ कूल कलर्स इन दिस पेंटिंग. वॉर्म कलर्स क्या होते हैं, वही सब येलो ऑरेंज रेड. रेड का तो कम ही यूज़ है. बस साड़ी जो सती जी की साड़ी है वो लाइट रेड कलर की है. सो हेयरली हम बार बार वही रिपीट करते आ रहे हैं, मेनली येलो ब्राउन कलर्स आर यूज इन दिस पेंटिंग. सो दैट्स ऑल. ये पेंटिंग आई थिंक बंगाल स्कूल की सबसे इजी पेंटिंग थी क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं. सो गाइज होप आपको इसकी डिस्क्रिप्शन समझ आई हो, अच्छी लगी हो. और आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, फील फ्री टू आस्क. सो टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल.